लगातार इस पर राजनीति शुरू हो गई। आपको बता दें कि पंजाब के पठानकोट में तड़के सुबह करीब 3:30 बजे आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सेना के 3 जवान शहीद हो गए और सेना ने 4 आतंकियों को भी ढेर कर दिया, जबकि सेना के इसमें 6 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस खबर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस घटना के बाद राजनीति में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पाकिस्तान मुद्दा लगाए तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेसी लगातार और वहीं इस खबर पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ही चिंताजनक है, देश सारा देश हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है और सरकार के साथ भी है, ताकि देश पर जो ये प्रहार हो रहे हैं, जो हमला हुआ है, उसका हम मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को दे सकें जो देश की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह हैं। पर साथ ही ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के दौरे से लौटे हैं, हमने दोस्ती की ओर सामना की यात्रा करके आए हैं और उसके तुरंत बाद इस घटना का होना कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत ना बने, आतंकी यही चाहते हैं। बात करते हैं पेट्रोल की, उल्टा के मुताबिक राज्य सरकार ने चुपके से एक अधिसूचना के तहत मूल्य संबंधित कर वैट में जोड़ते हुए कर पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 1 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त भार बताया जा चुका है। पेट्रोल पदार्थों से इस साल राजस्व में कम वृद्धि हुई है, जिसके तहत वैट लगाना पड़ा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार की मध्य रात्रि से पेट्रोल 63 पैसे और डीजल 1.06 रुपए, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ पेट्रोल 1.39 रुपए महंगा हो गया और डीजल महज 13 पैसे ही।